डेटा को सेट करोगे कॉलेज में जानते ही हो जाके क्या करोगे। समझ रहे हो आप? डेटा हमेशा मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट डेटा सेटिंग। जितना ज्यादा आप डेटा को सेट करोगे कॉलेज में जानते ही हो जाके क्या करोगे। यदि आपने डेटा अच्छे से सेट किया तो कॉलेज में अच्छी खासी सेट में ING ऐड कर लेना, है ना, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने डेटा सेट करना नहीं सीखा तो सबसे ज्यादा आपको किनको सेट करना होगा? सर अपने ही पेरेंट्स को। कुछ उसमें से स्टैंडर्ड एक्सक्यूजेज क्या होते हैं, जेई मेन वाले पता नहीं क्या हो गए, NTA वाले इतना पेपर में ऐसा डालते हैं कि कुछ होता ही नहीं है। जिस दिन मैं एग्जाम देने जा रहा था ना, उस दिन भाई साहब इतना खराब मौसम था, ट्रैफिक भी था, मेरा दिमाग ही वहां पर काम नहीं किया। जिस सेंटर पर मेरा एग्जाम था ना, वहां का कंप्यूटर सिस्टम ही फेल था, बीच बीच में बंद होते जा रहा था। हमने क्वेश्चन में 31 के जगह पर 32 मार्क्स कर दिया और बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा हो गया। हमने ना रोल नंबर अपने के जगह पर किसी जिसको हम लाइक करते हैं ना उसका भर दिया इस तरह से। या सबसे स्टैंडर्ड एक्सक्यूजेज है, ये है वो आदमी जिनकी वजह से मेरा रिजल्ट नहीं आया, यदि मुझे वो पढ़ाते तो बिल गेट्स जी के बाद मेरा ही नंबर आता, मैं ही उतना टैलेंटेड होता। केवल इन्होंने हमारा करियर बर्बाद कर दिया, अदरवाइज मम्मी पापा आपको तो पता ही है बचपन से मैं टैलेंटेड हूं, आइंस्टीन के बाद मेरा ही IQ है। दीज आर द स्टैंडर्ड एक्सक्यूजेज, ये आप एक जगह लिख लो, ये आप एक जगह लिख लो, जमाना रिजल्ट आने का है फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये सब तो आपको बीच बीच में बोलने के लिए उपयोगी होगा। तो स्टैंडर्ड एक्सक्यूजेज ये कब जरूरत होती है, जब हम डेटा को नहीं सेट करते हैं। यदि डेटा सेट कर लिए तब तो कॉलेज में जानते ही हो किसको सेट करेंगे, हर कोई जानता है, जाते ही इसीलिए हैं। कुछ उसी का एडवांस फॉर्म कोई स्कूल में भी यही शुरू कर देता है कि नहीं। तो आपको डेटा सेट करना है, क्या करना है, डेटा सेट करना। अच्छा बस बस ठीक है, बच्चा एकदम सही कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, देखो।